तो हम लोग आ चुके हैं। क्या हो गया बेटा? गाइस आज तो मम्मी को बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ और करने का। जिम से आकर मैंने व्लॉग करा और फिर उसमें अबीर को लेने आ गई हूँ और अबीर के लिए मैं दाल चावल भी लेकर आई हूँ। आज अबीर का रग्बी मैच था मिलफील्ड स्कूल के साथ। कौन जीता? 9-4 and 18-1। सो कौन जीता? 9-6 us. Oh my God, well done. Us B team won 9-4 and A team won 9-6. Very good, very good, very good. Well done. चलो अब दाल चावल खाओ, घर चलते हैं। आज डाडा नहीं है, डाडा गए हुए हैं अपने वर्क ट्रिप पे। What did you learn today? Like what happens to girls and boys when they have puberty? Okay. Mrs. B said use like the actual word now, so and that's the only reason I said it. Okay. Why are you sitting on the floor? I like sitting on the floor. Don't sit on the floor, baby. Sit on your study table, yes. Na. Yes. पहले तो तुम यहाँ पर आओ, अपने glasses पहनो. Abhi, I want to talk to you something. Come here. What is this, Abhi? Oh yeah, that was on hunger. Sorry. तुम छोटे बच्चे हो. तुम जितने भोए इतना इनोसेंट बन जाता है ना। Two months ago, अभी मैं रोज साफ करती हूँ अपना घर। I swear that was 2 months ago. It is just 2 days. Like you have done it, I think day before yesterday. No, Abhi. I promise, I did not do it day before yesterday. I swear. इसकी हंसी बता रही है। I would not lie. मैं दिखा दूँ सबको? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। बाकी सबको दिखा दूँ सबको? गाइस जहाँ अबीर बैठा है ना उसके पीछे अभी मुझे और सौरभ को अगले हफ्ते वो पूरी वॉल पेंट करनी है। ये पूरा हमें ये पेंट करना है। This happened the day when we entered in this house. एक हमारे पास इंक पेन था, हमें पता नहीं था हमने। हाँ ये देखना। और गाइस क्या करता है यहाँ पे ना, ये ऐसे फिक्सचर के अंदर ऐसे डिजाइन है, इसने पूरे पेन चलाए हैं। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे सब जगह लाइन थी, आप देख सकते हो। तुम रहने दो, मैं करो उसे रब आउट भी। पता है ये देखो, ये नया स्टडी टेबल है, अभी एक साल भी नहीं हुआ इस स्टडी टेबल को और इसकी हालत देखो, यहाँ से चिप कर दिया है। अभी सुनी कम डांसेस, होमवर्क टाइम। हाँ जी बेटा। तो बस गाइस घर वापस आ गए हैं। अभी सुनी को मैंने शावर भी दे दिया है, अब है उसका होमवर्क टाइम। उन्होंने ब्रेक भी ले लिया है अपने आईपैड का। इधर बच्चों, इधर क्या हुआ? सौरभ घर पर नहीं है ना, इसलिए शायद हो गया। शायद शादी है, शादी मम्मी है ना, तेरी माँ है घर पे। मैंने पी ली बेटा, अभी आज तक यही पी है। बहुत दिनों के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। हालांकि आज काम बड़े सारे थे तो मुझे कुछ कामों के लिए टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। However, I went to gym today, Abhi. And now I've taken a challenge. अरे अगला छोड़ो जी, टी-शर्ट किस तरह की लगी? Good. ऐसे मेरा मन करा कि आज पाजी की टी-शर्ट पाई जाए। Anyway, come here with your homework. Yes. Okay, female product, reproductive system and male reproductive system. ठीक है। Travels and then comes, becomes a big tadpole. So I'll rub this out. Abhi, can I please check? So you have a fallopian tube, cervix, uterus, ovary, vagina, endometrium, myometrium. ठीक है, तो आपको ये देखो कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आपको ये सारे यहाँ पे नेम्ड करने हैं, ठीक है। उन्होंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रखा है फीमेल का, तो आपको ये सारे करने हैं। और मेल में कैसे है? तो अभी स्कूल में इनको रिप्रोडक्टिव तो इसके प्यूबर्टी के सेशन शुरू हो चुके हैं। दिस वन ग्रो टॉलर बोथ, स्किन बिकम्स ऑयली बोथ, हेयर ग्रोज ऑन फेस ओनली बॉय। और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अभी के लिए डिनर, तो परांठा बनाएंगे। शावर लेके आई हूँ अभी, इसका डिनर मैंने बना दिया, इसको थोड़ी देर में डिनर कराती हूँ। अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है? आई नो यू लव मी। वैसे मेरे बालों की हालत खराब हो रखी है। अभी आपको मेरी कॉफी बनानी है कि नहीं बनानी है? अभी आपको मेरी, ओके, आई थिंक। तो दोस्तों वो बात हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे जो हम कर रहे थे।
How was the day at school today? के कपड़े पता मैंने दोबारा चेंज कराए हैं। ऑरेंज दिया था खाने को, ऑरेंज नहीं खाया, ऑरेंज को कपड़ों पे डाला है। ये वाले नहीं करने थे? शॉप सेल्स टीवी पर पता तुम चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो, ये बुक वो हमें दे नहीं सकते। आज प्रीति सूरी ऑर्डर करेगी वाली बुक। एनीवे 2, 4, 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, सो आपने थाउजेंड्स में डाला, फिर हंड्रेड्स में, फिर टेंस में। मैं ना पढ़ी लिखी हूँ। लैडर मेथड इज थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड देन सिंगल डिजिट। एक्सक्यूज मी, एंड देन व्हाट डू यू डू एट द एंड? मुझे नहीं पता। यू एड एवरीथिंग। हे भगवान, मैं पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ा रहा है मुझे। आई हेल्प यू। पता इतना तंग करता है, सौरभ नहीं है यहाँ पे, और फिर दो मिनट बाद आता है कहता है आई लव यू हे भगवान। कल बच्चा हवाले कर देना है हमने, वीकेंड में बच्चा डैडी के साथ, और कोई कंटेंट नहीं बनाया पूरे वीक में, कोई कंटेंट नहीं बनाया। उधर से स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर जिम जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, इसका खाना रेडी करती हूँ। ये कॉन्टेक्ट है, ये एक बात बहुत अच्छी हो गई, थोड़ा बड़ा हो गया ना तो खाना बहुत अच्छी तरह से खाता है। टचू टचू लोग खाता नहीं, डाइट अच्छी हो गई है। तो अभी सुरी ने बस एक ही सिली मिस्टेक करी थी, बाकी सब कुछ ठीक है। बड़ा हो रहा है जो कि अच्छी बात है, लेकिन सारे काम खुद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैंने कहा इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एक्सक्यूज माई हेयर गाइज। तो हमने सुबह खाई थी वो सैलेड, मतलब कि सैलेड खाके वो इंटरमीडिएट फास्टिंग ब्रेक करी थी, तो उसमें एक कप चने थे, मतलब कि बॉयल्ड चिक्पी थे, एक कप क्यूकम्बर था, एक कप ही टमाटर था, ठीक है, मैंने चॉप कर लिया था, छोटे वाले चेरी प्लम टोमेटोज थे वो। तो टोमेटोज के अंदर जो कैलोरीज थी वो थी 19 से 20, तो आप ये सर्च भी कर सकते हो। और मैं आपके साथ ना कुछ आने वाले ब्लॉग्स में ऐप शेयर करूंगी जिसमें आप कोई भी फूड आइटम लिखो तो आपको उसमें उसकी कैलोरीज पता लग जाती है, तो आप अपना ऐसे कैलोरीज काउंट कर सकते हो हर मील का, ठीक है, जो भी आप खाते हो, तो आप उस हिसाब से अपनी कैलोरीज का काउंट रख पाओगे पूरे दिन में मैंने कितनी कैलोरीज ली है। तो जो हमने वो सैलेड खाई थी ना उसके अंदर टोटल कैलोरीज थी 260, क्योंकि 220 कैलोरीज थी उसके अंदर छोलों के अंदर, और 20 कैलोरीज थी कुछ क्यूकम्बर के अंदर, 20 थी टोमेटोज के अंदर। आपने ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि एक कप ऑफ टोमेटोज में कितनी कैलोरीज होती हैं, एक कप ऑफ क्यूकम्बर्स में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो हमने कोई 260 कैलोरीज ले ली थी। उसके बाद मैंने एक अच्छा एक बोल भर के दाल चावल भी खाए हैं, और दाल चावल के अंदर कैलोरीज थी 350 कैलोरीज, क्योंकि जो मेरे चावल थे वो बॉइल्ड राइस थे, ठीक है, और दाल के अंदर भी बहुत कम ऑयल था, मतलब कि वो बहुत ही हेल्दी दाल थी, उसमें कोई इतने तड़के शड़के नहीं लगा रखे थे मैंने, तो 350 कैलोरीज वो थी। फिर मैंने एक एप्पल भी खाया था, एप्पल में होती है कुछ 95 कैलोरीज, सीरियसली देखने में छोटा सा एप्पल होता है, 95 कैलोरीज होती है उसके अंदर, अराउंड 95। हाँ, क्योंकि एप्पल के अंदर शुगर होती है, लाइक एप्पल में उसकी अपनी शुगर होती है, और यहाँ के तो एप्पल बड़े स्वाद होते हैं, सीरियसली इंग्लैंड के एप्पल बहुत अच्छे होते हैं। तो हमने टोटल फिर कितनी कैलोरीज ले ली है अभी, 350, 269, हमने 705 कैलोरीज ले चुके हैं हम अभी भी। मेरे पास अगर मैं कहूँ कि मुझे 1400 लेना है तो अभी मेरे पास 700 कैलोरीज पड़ी हुई है, तो अब मैं थोड़ा आराम से चलूंगी, ठीक है। तो मैं शाम की कॉफी के साथ खाने वाली हूँ टक, तो टक मेरा फेवरेट बिस्किट है गाइस, एंड डैडी, नो डैडी लाइक्स, हाँ डैडी लाइक्स बोर्नीज, लेकिन डैडी को मैंने खिलाना शुरू कर दिया। तो मैं ये टक बिस्किट खाऊंगी, और एक टक बिस्किट के अंदर, दोस्तों मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, कसम से कसम खुदा की, एक टक बिस्किट के अंदर 26 कैलोरीज हैं, तो हम दो बिस्किट खाएंगे, 26, ओह माय गॉडनेस, तो हम खाएंगे दो बिस्किट, तो 50 हमारी वहां पे हो जाएंगे, पता हिसाब लगा रही हूँ। तो 755 कैलोरीज हो गई हैं। अब जो मेरा डिनर होगा वो प्रॉपर डिनर होगा, और मुझे पता है कि उस डिनर में आराम से मैं खा लूंगी कुछ 600-700 कैलोरीज खा लूंगी, तो टोटल मेरी हो जाएंगी 1300-1400 कैलोरीज। बट उसके साथ साथ काम भी करा है, ऐसी बात नहीं बैठे नहीं रहे हम, तो आपने भी जरूर काम करा होगा, तो मुझे कैलोरीज भी बर्न करी है। एडवर्टाइजमेंट फॉर टक, गेट योर टक बिस्किट नाउ, ओनली 5 लेफ्ट। कहने का मतलब ये है कि आप 1300 to 1400 कैलोरीज ले रहे हो,
ठीक है, लेकिन आप साथ में कैलोरीज बर्न भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप बैलेंस करके चल रहे हो, वेट लॉस चल रहा है दोस्तों, तो इस बारे में चिंता नहीं करनी है, यार मैंने इतना खा लिया, यार ये हो गया, डोंट वरी, आप काम भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से एक्टिव हो, कैलोरीज को काउंट करके चल रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, तो ठीक रहेगा, ठीक है। आपका दिल करता है आप एक ब्रेड लो, उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा के भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट गाइस, मैं इसको पिक कर लूं, बोलो। So if I eat a gazillion calories, I can burn them off to 14,000 and then I'll be done. तो कहने का मतलब यह है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है, मेरी बातें सुनकर डर मत जाना, अरे तो एक एक चीज का ध्यान रख रही है, नहीं कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं भी रखना चाहते मत रखो, पोर्शन पे कंट्रोल करो, ठीक है। आप जब खुली तरह से खा पी रहे थे, ठीक है, आपके जो रोज की रूटीन थी, आपने उस रूटीन को आधा कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट तो आपने करना ही नहीं है, ब्रेकफास्ट स्किप करोगे आप, ठीक है, शुगर आपने लेनी नहीं है, आपने मीठा आपने खाना नहीं, आप रसगुल्ले गुलाब जामुन मत खाना, ठीक है। आपका मीठा खाने का मन है तो आप डार्क चॉकलेट खाओ, ठीक है। ओके, दिस पर्सन ईट सो मच इंडियन स्वीट्स, गुलाब जामुन लेकिन मैंने अब छोड़ दिया है, कल से मेरी वेट लॉस जर्नी शुरू हो गई है। उन्हें ज्यादा लंबे चौड़े मील प्लान की जरूरत नहीं है, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी अपना मील प्लान कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लाइफ है बहुत बिजी, टाइम नहीं है हर चीज कुक करने का, टाइम नहीं है रेसिपीज फॉलो करने का, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। हाँ, कभी मेरा दिल करेगा, मैं फ्री हूँ घर में, मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज जरूर फॉलो करती हूँ, लेकिन जब मैं जल्दी में होती हूँ, मंडे टू फ्राइडे तो इज लाइक हेडलेस चिकन होती हूँ मैं, तो बस उसमें मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें करके, ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए स्पेशल खाना बना रही हूँ, अभी के लिए स्पेशल बन रहा है, सौरभ के लिए नहीं, हम वही खाना बनाते हैं, बस मैं अपने पोर्शन पे कंट्रोल कर लूंगी, ठीक है जी। मॉम, फॉर द होल इंफॉर्मेशन, आई रोट इट डाउन एंड आई एम सॉरी, गोना हैव टू गेट एन एफ माइनस। नेक्स्ट है रिलक्टेंट, नहीं नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, Importance. Was it intelligent or intelligent? Intelligent. Like your mom. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ भी बनाने का मन ना कर रहा हो तो अंडा भुर्जी बना दो, तो मैंने अभी अंडा भुर्जी बनाई है और साथ में है परांठे, तो कराते हैं उसको डिनर। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने लिविंग रूम में बैठ के नेटफ्लिक्स पे कैचअप कर रही थी, तो बस 15 मिनट के लिए देखा, मुझे लग रहा है मैं अभी के साथ जाकर सो जाती हूँ, बिकॉज आई एम रियली वेरी टायर्ड। एनीवे, इस वीडियो में आपने देखा एक छोटा सा क्लिप जहां पे मैं अभी को होमवर्क करा रही थी, एंड आई टोल्ड यू गाइस उसको स्कूल में प्यूबर्टी के बारे में बताना शुरू कर दिया गया है, अभी इज इन ईयर 5, तो ईयर 4 में ही उनको प्यूबर्टी के बारे में बताना शुरू कर दिया गया था, और अभी ईयर 5 में अगर मैं कैजुअली बोलूं तो ही इज फुली एजुकेटेड नाउ, ही नोज एवरीथिंग, घर आता है बड़े सारे क्वेश्चन पूछता है और हम उसके हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक बहुत ही अलग फेज से गुजर रहे हैं हम लोग, बिकॉज जब मैं अपना टाइम याद करती हूँ, जब मैं उसकी एज की थी या उससे थोड़ी सी बड़ी थी, जब मैं यू नो 11 या 12 ईयर्स की थी, हम लोगों ने इतनी खुल के बात कभी नहीं करी थी, ना अपने पेरेंट्स से ना स्कूल में, स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक बहुत ही कम बात हुई है स्कूल में, मुझे जो कुछ भी पता लगा अपनी मॉम से ही पता लगा, वो भी कोई इतना डिटेल में नहीं। तो आई होप कि आप सब लोग मुझसे रिलेट करेंगे, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो एक चीज है यहाँ के स्कूलों में बच्चों को बताना, और ईयर 4 से बताना शुरू करना, ईयर 5 से बताना शुरू करना, आई थिंक इट इज रियली गुड। सीरियसली, जिस हिसाब से अबीर इन सब चीजों को ले रहा है, इन सब चीजों से डील कर रहा है, कमेंडेबल, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। वो हमसे क्वेश्चंस पूछता है विदाउट एनी हेजिटेशन, हम भी उसको रोकते नहीं है, यू नो हमारे टाइम पे जब हम अपने मॉम डैड से कुछ ऐसा पूछते थे तो आई थिंक डैड के पास तो हम बात ही नहीं कर सकते थे, यू नो मैं सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को, ये सच है। लेकिन मॉम से भी पूछते थे तो मॉम भी इतना कुछ खुल के नहीं बताती थी,
तो ये सब जो चीजें है ना, आई थिंक अब हमें अपने बच्चों से इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है. इस पे एक मूवी भी बनी है हमारे बॉलीवुड में, आप सबने वो मूवी देखी होगी. मैं इस पे जरूर एक व्लॉग बनाऊंगी, डिटेल में बात करूंगी कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं थिंकिंग में अबीर की. अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा है, स्कूल वालों ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है बच्चों को. कुछ सेशन लड़के लड़कियों के साथ में हुए हैं, कुछ सेशंस में सिर्फ बॉयज थे, गर्ल्स को सेपरेटली बताया गया. आई थिंक इट शुड बी मैंडेटरी इन ऑल द स्कूल्स, नो मैटर वो कहां पर है, कौन सी कंट्री में है वो स्कूल, ये मैंडेटरी होना चाहिए. आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई एम बिट इमोशनल ऑल्सो बिकॉज ऐसा लग रहा है कि यार अबीर बड़ा हो गया बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से वो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो रहा है. उसको चीजें समझ में आ रही है, उसको रिस्पेक्ट और लव के बीच में फर्क समझ में आ रहा है. बहुत सारे लोग सोचेंगे यार वो 9 ईयर्स का ही है, बट ऑनेस्टली वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो बस मुझे ये बात करनी थी आप लोगों से. कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ नहीं आता आंसर क्या दूं. तो हम दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, मैं और सौरभ, एंड वी ऑलवेज यू नो ट्राई टू सपोर्ट हिम, ट्राई टू क्लियर आउट ऑल हिज क्वेरीज. और स्कूल वाले बड़ा साथ देते हैं हमारा. हमने स्कूल वालों से बहुत ही डिटेल में बात करी है, बहुत सारे पेरेंट्स ने करी है. तो जहां जहां हमें बहुत चैलेंजिंग लग रहा था, जहां जहां हमें चीजें समझ नहीं आ रही थी कैसे होगा क्या होगा, तो थैंक्स टू द स्कूल. और तो बस मुझे लगा मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं, एंड मुझे प्लीज बताना अगर आप में से भी कुछ लोग हमारी तरह इस फेज से गुजरे हैं. और एनीवे विल टॉक अबाउट दिस, विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन सम अदर व्लॉग, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने बोला है पेरेंटिंग पे व्लॉग बनाओ. तो जब हम पेरेंटिंग पे व्लॉग बनाएंगे हम इस टॉपिक की जरूर बात करेंगे. ठीक है जी, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइस, टेक केयर.